चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में दो दिन तक तेज बारिश की संभावना है। 10 जुलाई को भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 12 जुलाई से एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते अलग अलग जिलों में बारिश होगी। शनिवार को बालाघाट, दमोह समेत कई जिलों में बारिश हुई है और आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जो कि एक बार फिर से प्रदेश में बारिश करवाएगा। बदरात जमकर बरसेंगे। 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के लिए सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? बिल्कुल जी, हाल ही में सावन का महीना शुरू हुआ है और सावन जो है वो झूमकर बरस रहा है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। बीच बीच में एक छोटा सा ब्रेक मिल रहा है, उसके बाद फिर धुआंधार या झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो करीब 26 जिले ऐसे हैं जहां पर आने वाले 48 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें खासतौर से बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, बुरहानपुर, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, खरगोन में बारिश के साथ जो गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा सागर संभाग की बात हो या खासतौर से नर्मदापुरम की बात हो या महाकौशल क्षेत्र की बात हो, तो पूरे प्रदेश में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर से 26 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हम देख रहे हैं लगातार मौसम बदल रहा है। सुबह का वक्त देखिए किस तरीके से अभी भी बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। पूरा मौसम ऐसा हो चुका है जैसे कि सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है। पेड़ पौधे जो है वो एकदम हरे हो जाते हैं। सड़कें हमेशा गीली और नम नजर आती हैं। तो कह सकते हैं कि सावन का महीना है और बादल भी झूमकर बरस रहे हैं। आने वाले समय में भी ऐसी बरसात देखने को मिलेगी और माना जा रहा है कि कल सोमवार है, कल भी जो सावन है वो बरसेगा और भोलेनाथ का अभिषेक प्राकृतिक रूप से बरसात के तौर पर करता नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज जानकारी साझा करने के लिए। तो नया सिस्टम प्रदेश में एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के 27 जिलों में अगले दो दिन तक बदरात जमकर बरसेंगे। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।